सबसे पहले बुलबुल ये बताइए, गांव आई हैं, क्या चल रहा है ये? गांव वालों ने मुझे गलत समझ लिया है, एज़ यूजुअल, जैसे सबने गलत समझा है. तो अभी उनका यही है कि मैंने पैसों के लिए विधायक जी को पटाया और अब मैं नंद जी से शादी करना चाह रही हूँ. तो वो लोग मुझे एकदम ऐसे बहुत नाराज़ हैं मुझसे और मुझे पत्थर वत्थर मार रहे हैं कि हमें तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तुम गांव वापस क्यों आई हो, ऐसा वैसा. तो वही अभी हम कर रहे हैं कि वो मुझे मार रहे हैं. विजय, आप बचाने आए बुलबुल को, पिछली बार तो भाग गए थे, मैं वहीं से गुस्से में निकल गए थे दोनों से. हाँ, मैं एक्चुअली गुस्से में निकल गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. और फिर जब मैंने बाहर जाके सोचा तो मुझे लगा नहीं यार, बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती है. फिर लेकिन यहाँ पे आए तो लगा कि नहीं यार, ये शायद कर सकती है. तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि अच्छी लड़की है कि बुरी लड़की है कि क्या है. पर विजय, वही मैं कह रहा था, ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर ऑलरेडी. तो वो नहीं चाहता कि ऐसी निकले. तो जब भी ये दिक्कत में होती है तो आ ही जाता है, चाहे ना चाहे. अच्छा, घर लेके जाएंगे वहाँ पे तो ऑलरेडी गायत्री है और मंदिरा भी है, मतलब हाँ. कैसे फेस करेंगे आप बुलबुल को लेकर जाएंगे तो? अरे यार, वो कल की शूटिंग है, मुझे आज क्यों डरा रहा है? मुझे नहीं पता मैं कैसे फेस करूंगा. मंदिरा को देख के तो मैं आजकल, मैं वो तो क्या घबराती हूँ कि मैं उससे घबराता हूँ कि अब वो क्या नया करेगी. और हाँ, बहुत बहुत उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, देखते हैं अब उसने क्या प्लान किया है. थैंक यू सो मच.